what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just... हेलो फ्रेंड्स, मैं समर, समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कनस्तर है, रिफाइंड का या ऑयल का कनस्तर है। तो इस पर हमने पेंट कर लिया है एंड इसकी कटाई कर ली है, जैसा आप देख पा रहे हैं ग्राइंडर से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ढक्कन भी हमने लगा दिया है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा, जिस तरीके से आपको जैसे जैसे कटिंग करनी है आप हिसाब से कर दीजिए। कोई आज पर कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा आप चाहें वैसे मैंने स्क्रीन पर आपको दे दिया है इसकी डायमेंशन कि आप इसके हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। और बता दूं फ्रेंड्स, कटिंग जरा आराम से कीजिए, क्योंकि ख़तरा बहुत है इसे काटने में, क्योंकि बहुत चादर टाइप होता है तो लग जाता है ना हाथ में, तो काफ़ी चोट लग सकती है आपको। और हमने काट लिया क्योंकि हम इसे पॉकेट्स लगाएंगे, जिससे कि ये ठंडी हवा खींचेगा। एक तरह की विंडो है ये, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जाली है, मच्छर जाली होती है ना फ्रेंड्स, जो मच्छर के लिए जो विंडो पर लगाई जाती है, वो वाली जाली है। आप चाहें तो कोई चीज़ से बारीक जाली ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटी जाली मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम जब चिप डालेंगे वो बाहर निकल जाएगी। हमने कैंची ली है, तो इससे हमने काट लिया है और इससे प्लास हमने मोल्ड लिया। आप वीडियो बनाने हमारे साथ फ्रेंड्स, वीडियो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड बनाई है, तेज़ चल रही है वीडियो, जिससे कि आपका टाइम ख़राब ना हो। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी और आपका टाइम ख़राब हो, तो मैंने थोड़ी फास्ट कर दिया है, नहीं मैं ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो बैठ जाती है। अब भी मुझे काफ़ी लंबी लग रही है, क्या करूँ फ्रेंड्स, मुझे पूरी नॉलेज देनी पड़ती है। मैं नॉलेज नहीं देता तो आप उससे बार बार कमेंट करके कहते हो कि समर आपने ये नहीं बताया। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी वीडियो को। तो आप ये पॉकेट्स बना लीजिए, ऐसे जो मच्छरदानी होती है ना, उसकी पॉकेट्स बना लिए। मात्र ये 10-20 रुपए की आपको कहीं से मिल जाएगी। मैं 20 रुपए का लाया था, थोड़े पीस पड़े रहते हैं ना, वो आपको उसका काम चल जाएगा। नहीं जरूरी नहीं कि आप पूरा आपका बंडल लेगा उसका, या आप पीस लेगा पूरा। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दुकान पर जो बचे हुए रहते हैं, वो आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता रहूँगा वीडियो की, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती हैं और आप कनेक्ट रहोगे तो आपको मिलती रहेंगी वीडियो। और ये देखिए, आप मैंने आधे इंच की जाली ली है, आप कहोगे ना जाकर शॉप पर आधे इंच की जाली, तो आपको मिल जाएगी। और ये हमने वो लिया मच्छरदानी, तो हमने इसकी पॉकेट जो बनाई थी ना फ्रेंड्स, तो इसमें हम जोड़ देंगे उस चीज़ को। देखिए, कुछ हमें पेच चाहिए, नट बोल्ट छोटे वाले, आपको ही मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक शॉप पर सर। तो हमने तीन ले लिए हैं, मैंने अभी आपको एक बना कर दिखा दूँ, जिससे कि आपको वक्त ज़्यादा ना हो। और देखिए, हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, मैं आपको इसमें फुल नॉलेज दूंगा, और जो इसमें रह गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश की आपको बताने की। जब भी फ्रेंड्स, अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। और ये नट बोल्ट हम इसे टाइट कर देंगे। दोस्तों, बता दूँ, बहुत सस्ता बैठेगा, आप वीडियो में देखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप घर पर आसानी से बना सकते हैं टिन क्रिस्टल का। अगर आप चाहें तो पेंट कर सकते हैं, ना चाहे तो मत कीजिए, या कोई और सा कलर कर सकते हैं। देखिए, हमने मच्छरदानी जो इसके थोड़े ऊपर लगा ली है, जिससे कि इसमें जो हम चिट डालेंगे वो निकले नहीं बाहर। आपने इसके नट बोल्ट कस दिए हैं फ्रेंड। मैं आपसे बिल्कुल फ्रेंकली बात करता हूँ, जिस तरीके से आप मेरे सामने बैठे हो, मैं कोई बढ़ावा दिखावा नहीं करता, और मैं कोई एडिट नहीं करता अपनी ऑडियो में। तो जैसे मैं आप मेरे सामने बैठे हो, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे, तो कुछ मिस्टेक है उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ इस तरह की। और मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, जिस किस टॉपिक पर, मैं उस टॉपिक बनाऊँगा। मैकेनिकल और टेक्निकल रिलेटेड वीडियो होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये लगभग 50% हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। हमने मोटर लिया है 12 वोल्ट की, डीसी मोटर कहते हैं। आप इलेक्ट्रिक शॉप पर जाओगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, ये आसानी से मिलने वाली मोटर है, चाहे तो आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मुझे वैसे तो 80 की पड़ी थी, लेकिन ऑफलाइन आपको या आपके एरिया के हिसाब से कितने रेट मिले, या ऑनलाइन तो खैर ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन आप लेना चाहें, आपको अगर आपके पास ना हो तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका। और हम इसकी जो साइड की जो स्टैंड रोकने के लिए जो पत्ते लगी होती हैं, उन्हें भी इस पर लगा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में है बनी हुई, तो प्लीज़ आप वीडियो को फॉलोअप कीजिए, जिससे कि आपको फुल नॉलेज मिल सके। मैंने उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, एक्स्ट्रा मैटर नहीं डाला है कि आपका टाइम ज़्यादा हो, वक्त ख़राब हो आपका। तो प्लीज़ वीडियो को फॉलोअप कीजिए, जिससे आपको फुल नॉलेज मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरी कमी बताइए, जिससे कि मैं उस चीज़ को पूरा कर सकूँ।
एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमी ना कर दूँ। दोस्तों बता दूँ कि इस चीज़ को थोड़ा टाइट कर लीजिए, और आप चाहें तो ये पत्ती मैंने लगाई है थोड़ी मजबूत ले लीजिएगा, ये तो मैंने टिन कनस्तर से ही बनाई है, कनस्तर काट कर, तो आप चाहें थोड़ी हार्ड मेटल की ले सकते हैं, क्योंकि ये जब चलता है तो थोड़ा वाइब्रेट करेगा ना, तो इस मारे आप चाहें तो थोड़ा हार्ड। मैं तो आपको सिर्फ एक आइडिया दिया बताने जताने के लिए कि आप ऐसा कर सकते हो, बाकी तो आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहें तो इसे मोडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है, वो मोटर के जो एंगल में होगी वो जो पेच होंगे नट बोल्ट जो होंगे वो हमने थोड़े उससे थीक लिए हैं, और ये हाथ मिला के देखिए फिट बैठ चुका है। थोड़े हमने पंखड़े ले लिए हैं इसकी जो हवा फेंकेगी, देखिए आप ये मुझे सबसे अच्छी लगी फ्रेंड्स कि इसकी हवा बहुत अच्छी है, वो इसे आराम से लगा लीजिए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वर्क को थोड़ा स्लोली स्लोली और आराम से कीजिए, क्योंकि ये चादर है थोड़ा लग सकती है हाथ में और आपको इंजर कर सकती है, चोट लग सकती है। हमने दोस्तों ये जाली इस माया लगाई इससे कि ये थोड़ा लुक आ जाए, वरना जाली की कोई जरूरत नहीं था, आप चाहे तो इसे लगा भी सकते हैं या चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता रहूँगा आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ क्या लगाएं आप क्या ना लगाएं। तो थोड़ा नट बोल्ट कस लेते हैं फ्रेंड्स, ये डायोड है 6A4 के, आप शॉप पर जाएंगे ना तो आपको मिलेगा, आप कहेंगे कि मुझे सर बड़े वाले डायोड दे दीजिए, आपको नाम भी बताइए, आप इलेक्ट्रिक शॉप पर जाइए, आप कहिए मुझे बड़े डायोड मिल चाहिए, दे देगा, क्योंकि प्लस है जो दोनों एनोड मिले हुए हैं ये प्लस में है और पीछे ये माइनस में है। ये हमने ट्रांसफार्मर लिया है 0 bar का 3 ampere में, कॉपर में है, कॉपर में रहता है फ्रेंड्स, थोड़ी हीट सह लेता है ज़्यादा, इसमें अच्छा रहता है कॉपर में, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। और देखिए ये प्लस है, ये हमने लगाना है इधर जो एनोड और प्लस कैथोड है ना, वहाँ आपको ट्रांसफार्मर को वायर लगाना है, कोई सा लगा लीजिए फ्रेंड्स, में माइनस प्लस नहीं होता ट्रांसफार्मर में, कोई सा किधर लगा लीजिए जो मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं आते हो तो जैसा स्क्रीन मैंने दिखाया आप ऐसे लगा लीजिए। वीडियो को थोड़ा HD क्वालिटी में कर लीजिएगा, मैंने ये HD क्वालिटी में डालिएगा रेसिपी में, तो आप अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो आप HD में कर लीजिए। ये मैंने आयरन से इस पर ज्वाइंट कर दिया है, और बता दूं दोस्तों अगर आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो बने रहिए, मैं आपको वीडियो में डायग्राम भी बना कर दूंगा जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चांस ऐसा होता है क्योंकि मैं तो समझ पाता हूँ, लेकिन आप भी कुछ लोग समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग न्यू होते हैं इस चीज़ से जुड़े हुए और वो चाहते हैं कि इस काम को हम करें, तो उन सबसे मेन बात फ्रेंड्स समझाना ही होता है कि मैं वीडियो में आपको एक एक चीज़ समझाऊं और आपको वो समझ में आए। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आए तो दोस्तों मेरा कोई मतलब नहीं वीडियो बनाने का, मैं चाहता हूँ आपके फुल नॉलेज हो, आपको वीडियो फुल नॉलेज मिले, वीडियो छोटी से छोटी हो और आपकी हर चीज़ समझ में आए। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आपको वेलकम है, कमेंट बॉक्स में आइए, मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको वेलकम करता हूँ, मुझे बताइए, और मैं हो सकता है आप मुझे कमी बताएंगे, मैं उस नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और उस पर समझा सकूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है बनी भी है, मैंने कोई जल्दी इसमें एक्स्ट्रा कोई मेटल नहीं डाला है जिससे कि आपका वक्त ख़राब हो ज़ाया हो, तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें हर चीज़ काम की ही डाली है, वीडियो में कोई भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है। जो मैंने ढक्कन लिया था उसमें ट्रांसफार्मर लगा लिया है, आप चाहें तो ट्रांसफार्मर अलग से रख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे आप बैटरी से भी चला सकते हैं, मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा, वीडियो हमारे साथ बने रहिए। इसमें इसे PVC टेप कहते हैं, इसे PVC टेप आप लगा लीजिए, PVC टेप भी बेटर रहती है फ्रेंड्स, आप PVC टेप यूज़ करें ज़्यादातर, एंड वर्क थोड़ा स्लोली कीजिए क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कहीं आप गड़बड़ ना कर दें और लेने देने पड़ जाए। ये मैंने आपको जाली दिखाई थी, मैंने वुड की बनाई थी लकड़ी की, इस तरीके से मैंने फेंकल से चिपकाई थी, आप इमेज भी देख पा रहे हो, तो मैंने आपको एक सैंपल दिखाया, वीडियो बहुत लंबी ज़्यादा अगर मैं आपको इसे बना के दिखाता, और देखिए कंप्लीट हो चुकी है, इस पर मैंने पेंट कर लिया है, अब हमने इसे लगा दिया है क्योंकि यही अच्छी है इसकी खूबसूरती है। तो दोस्तों पहले तो से मैंने ग्लू गन से चिपकाया था, लेकिन ग्लू गन से इतना इफेक्ट नहीं होता, तो मैंने इसे पेच लगाया क्योंकि ये पेच सबसे बेस्ट है इसे रोकने के लिए, ये हिलेगा भी तो कहीं नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये अब टेम्परेरी जुड़ चुका है क्योंकि परमानेंट का नहीं जुड़ेगा। और ये फ्रेंड्स मैंने 1K का रेजिस्टेंस लिया है, ये LED है 1K का रेजिस्टेंस, आप ध्यान रखना 1K का रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में 1/4 watt में, आप शॉप पर जाकर कहोगे ना कि मुझे एक 1K का रेजिस्टेंस दे दो क्वार्टर वाट में, आप चाहे तो 1/2 watt मिला सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती, 1/4 watt में इनफ है। और दूसरी जो स्विच हमने लगाया क्यों लगाया वीडियो में देखते रहिए आपको पता लग जाएगी। तो फ्रेंड्स कनेक्शन अगर आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, और अगर बाई चांस समझ में नहीं आते तो इसमें मेरी कमी है, आपकी कोई कमी नहीं, अगर कनेक्शन आपको समझ में नहीं आते तो मेरी कमी है क्योंकि मैंने आपको नहीं समझा पाया सही से, लेकिन मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आए।
तो वीडियो बने रहिए, मैं आपको डायग्राम बनाकर दूंगा आगे, जिससे कि आप बिल्कुल बिल्कुल ईजिली डायग्राम बनाऊंगा, जिससे कि आप समझ जाए और आपको परेशानी ना हो किसी बात की। तो हमने सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो देखते रहिए आप, वीडियो बने रहिए। और आप जितने भी व्यूअर मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि मैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। लेकिन फ्रेंड्स बता दूं, मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें आपका बेनिफिट हो, आपके टॉपिक के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको बेनिफिट हो और नेक्स्ट वीडियो जो बने वो आपके टॉपिक पर बने, जिससे कि आप उसका लाभ उठा पाएँ और आपकी जो परेशानी वो ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ उसे। क्योंकि मैं बनाऊंगा तो पता नहीं आपके समझ में आएगी नहीं आएगी कि आपके आपसे रिलेटेड होगी ना होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे जो आपकी आप चाहते हैं वीडियो वो बने। तो आराम से आप छील लीजिएगा वायर फ्रेंड्स, कोई जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी, आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि मैंने इसमें क्या किया है, इसमें कौन सा ऐसा आइडिया मैंने यूज़ किया है जिससे कि कूलर बिल्कुल एसी जैसी हवा देगा। और एक मनी दोस्तों के जवाब से देख लोगे ना, जवाब से बनाओगे तो आप मेरे आप मुझे याद करोगे कि हाँ समर क्या खास क्या मतलब क्या आइडिया लगाया, क्या दिमाग लगाया है। बहुत अच्छी वीडियो है फ्रेंड, जब मैंने इसे बनाई थी तो मैंने जब इसकी आवाज़ और एयर महसूस की थी बहुत अच्छी, बिल्कुल एसी जैसी हवा लगी, बल्कि एसी से भी ठंडी कहूँगा मैं तो। और आपको पता लग जाएगी वीडियो जब बने रहेंगे, कनेक्शन मैंने बहुत क्लोजली दिखाए आपको, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आए
बिखरेगा। तो जैसे देख रहे हैं कि मैंने इसमें बर्फ़ लिया है, बर्फ़ का आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब जो हमने पॉकेट्स बनाई थी ना साइड में, उसमें आपको बर्फ़ को फिल करना है। अब आप बर्फ़ को जैसे आपने देखा होगा तो दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो उसमें कितनी कूल एयर आपको मिलेगी, बिल्कुल एसी से भी ठंडी, बिल्कुल ऐसी आवाज़ देता है ना दोस्तों कि बहुत ठंडी, बिल्कुल एसी से भी ठंडी। तो तीनों पॉकेट्स में आपने बर्फ़ फिल कर लिया, यानी कि भर लिया है तोड़कर बारीक बारीक। इस बारे मैंने दोनों तरफ दोस्तों जाली लगाई थी बारीक, मेरा यही मकसद था जाली लगाने का, जिससे कि ये जो निकले नहीं। और हमने जो एक टुकड़ा लिया है ना ये, तो इससे फ्रेंड्स दो बेनिफिट होंगे, एक तो कूलर में थोड़ा वेट हो जाएगा, दूसरा है कि ये पानी जो ना थोड़ा कंज्यूम कर लेगा, अपने अंदर चूस लेगा, पानी को भर लेगी ईंट का टुकड़ा, और ये थोड़ा ठंडा रहता है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा अंदर बना रहेगा, ठंडा बना रहेगा। तो देखिए हमने प्ले कर दिया है दोस्तों, ईंट आप ज़रूर लगाएं, या आप चाहें तो थोड़े बड़े का टुकड़ा लगा सकते हैं। ये जिस जगह मैंने बर्फ़ जो भरा है ना, आइस भरा है जो पॉकेट्स में, उसमें आप चाहें तो थोड़ा डनलप का गद्दा होता है, फोम होता है, उसमें पानी भरकर डाल सकते हैं, या कुछ भी आप गीली चीज़ भूस भर सकते हैं। अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो उसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हवा लेगा ना अंदर से, विंडो से हवा लेगा तो आपको ये चिल हवा देगा, ठंडी हवा देगा, कूल हवा देगा। तो देखिए इस तरीके बनेगा फ्रेंड्स, हवा इसकी बहुत अच्छी है जैसा आप देख पा रहे हैं। मुझे इसकी पंखड़ी, इसकी मोटर बहुत तेज रन करती है, तो जैसा आप देख रहे हैं बहुत अच्छी हवा है इसकी। कोई भी मैंने फेक वीडियो नहीं बताई फ्रेंड, इस चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं आती है, और सारी जेन्युइन वीडियो है। पहले मैं खुद करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो को करके। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपने इस वीडियो को इतना वॉच किया, थैंक यू सो मच आपके लिए, आपने इतना वक्त निकाला। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आने वाले समय में मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो आगे बनाता रहूँ। और मैंने इसमें जो एलईडी लगाई है दोस्तों, कि मैं आपको भी नाइट विजन भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो बने रहिए। देखिए ये एलईडी जल रही है, मैं आपको नाइट विजन फ्रेंड्स। ये ट्रांसफार्मर है 012 का वोल्ट का, ये एसी है 220 वोल्ट, ठीक है। ये इसके दो वायर हैं, तो दो वायर जैसे आप देख रहे हैं डायोड, ये एनोड प्लस एनोड मिले हुए हैं, कैथोड प्लस कैथोड मिले हुए हैं। तो इसके दोनों जो ट्रांसफार्मर के दोनों वायर हैं, एक इस तरफ लगेंगे एनोड प्लस कैथोड पे, एक इस तरफ लगेंगे एनोड प्लस कैथोड पे। ये नेगेटिव वायर है, तो ये पॉजिटिव है। दोनों जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस तरफ दोनों तरफ ट्रांसफार्मर के जो दो वायर निकले हुए हैं, ये कनेक्ट कर देने हैं। ये दो वायर हैं, इस तरफ कनेक्ट कर लेने हैं इस तरफ, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव अभी मैंने कनेक्शन कैसे किए हैं, जो पॉजिटिव वायर है, ये एक पॉजिटिव वायर तो गया है बैटरी पे, जो एक बैटरी पे गया है पॉजिटिव वायर ये रहा, और एक पॉजिटिव वायर गया है स्विच पे, स्विच से होकर सीधा मोटर पे गया है, ठीक है, जिससे कि ये ऑन ऑफ हो सके, लाइट ऑन ऑफ, यहाँ से पावर जो सप्लाई ऑन ऑफ हो सके, ठीक है। अब दूसरा जो यही पावर कनेक्शन गया है दूसरा, दूसरे स्विच में, और जो दूसरा पॉजिटिव गया है, ये रेजिस्टेंस है 1K का एलईडी में, जिससे कि इससे हम दिन में लाइट बंद कर सकें और ऑन कर सकें। ये नेगेटिव वायर है एलईडी का।